दग दग हो रहा है। ठीक है, रेडी रेडी रेडी। एंड रोल साउंड एक्शन। पिछली बार जब हम लोग, अरे पेहू क्या हो गया, पेहूडी भूख ही लगा है क्या? पिछली बार जब इस रूम में रुके थे, आई होटल में आए थे, तो ये बिल्डिंग यहाँ तक कंप्लीट थी ऑलमोस्ट एक साल पहले। अब यहाँ से यहाँ तक हो चुकी है, अभी 6 महीने में पूरी हो जाएगी। एक बार ये वाली बिल्डिंग में आग भी लग गई थी, हमने फायर ब्रिगेड कॉल किया था। ये वाली व्हाइट वाली में यहाँ पे एक बस स्टैंड है, ये यहाँ पे ईरानी चाय कैफे है, ये रहा, बहुत टेस्टी भाई। वेलकम बैक टू द व्लॉग। अभी जा रहे नाश्ता करने और आज हमारा शूट है। मैंने पहले व्लॉग में कहा था कि गेस करो इसके साथ शूट है, तो बहुत ही कम लोग गेस कर पाए थे। बहुत लोगों ने किया था शायद सलमान के साथ है या शाहरुख सर के साथ है, या बहुत लोगों ने किसी क्रिकेटर के साथ होगा, तभी अभी तक एक्साइटेड हो। बहुत लोगों ने कोहली का नाम भी लिखा था, लेकिन बहुत कम लोग हैं, आई थिंक 4-5 लोग हैं। मैं नीचे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उन्होंने कहा था कि शायद हाँ माही भाई के साथ शूट है, तो आज धोनी सर के साथ शूट है और हम सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। गोरेगांव फिल्म सिटी में शूट होगा, किसी ब्रांड के लिए शूट है, तो हमारा कॉल टाइम 2 बजे के आसपास का है। अभी बज रहे सुबह के 9:30, पहले करते हैं नाश्ता, उसके बाद देखते क्या करेंगे। दिन बन गया क्योंकि गुजराती फूड भी है, फाफड़ा थेपला। ये कहाँ है? उस तरफ पड़े हुए। ए मोटू राम, ये कहाँ बैठे हो भैया लाला जी बन के? लाला जी, हमारा शूट टाइमिंग अभी शिफ्ट हो चुका है, हमारा कॉल टाइम हो चुका है 2 बजे का, पहले सुबह 11 बजे का था, तो अभी मैं 20 मिनट कार्डियो करके आते जिम में। बैक फ्रॉम द जिम, रितु और पीहू बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। पता जिम में कौन मिला आज? कपिल शर्मा थे। मैं वर्कआउट कर रहा था, ट्रेडमिल पे था मैं, और मैं ट्रेडमिल पे कपिल शर्मा का ही देख रहा था, ऐसे करते करते कार्डियो, जैसे उतरा है कपिल बाजी वर्कआउट कर रहे हैं। हाँ मिला मैं। A few minutes later, वर्कआउट डन, नहा धो लिए, अभी जा रहे हैं शूट पे। और भाई साहब अब दुख दुख हो रही है क्योंकि माही भाई के साथ शूट है। वापस आना पड़ा, बैटरी छूट गई थी कैमरे की। भाग लो बेटा, कॉल टाइम हो चुका अपना, तो मैं रुके एक बॉल ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि कुछ क्या पता कब काम पड़ जाए। मुझे लग रहा है बड़ा साइज है ये। मुझे भी बड़ा लग रहा है। टी-शर्ट? हाँ। हम फिर ऑल्टर करवा रहे हैं। दोनों ही ओवरसाइज है, दोनों ही बहुत ज्यादा। ये हमें टक इन करना पड़ेगा, अंदर करना है। पैंट्स भी लूज है, हाँ, ये भी काफी लूज है। थोड़ा सा वैसा लगना चाहिए। हाँ हाँ, तो इसको वैसे बना पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लूज है? नहीं नहीं, वो हो जाएगा। अंदर जाने के बाद तो फिर ठीक हो जाएगा मेरे को लगता है। एक बार प्रॉपर कर ही आता हूँ, एक बार प्रॉपर कराता हूँ, इकट्ठी होगी ना यहाँ पे। एक बार हम शूट कर रहे थे कुछ और है, तो वहाँ पे पीछे क्लैंप लगे जैसी शर्ट में, तो वो स्टेज पे होगा कि शर्ट उतारनी है, फिर पूरा चेंज किया गया कि नहीं शर्ट नहीं उतार सकते क्योंकि पीछे क्लैंप लगे, तो कोट के साथ ही शूट होगा। वो पूरा टास्क चेंज हुआ कि कोट के साथ ही कुछ ऐसा टास्क जो कोट के साथ कर सके। नो बिहू, कितना बिस्किट खाएगा? पपाया देता हूँ, वेट। अभी शोल्डर्स क्या है साइज? मैंने क्या भेजी थी? 22.5। ये कितना है? 21 है यार, मैं ना घर पे अकेला था, मैंने खुद ही मैनेज करके ऐसा करके मैंने, मतलब he was not there, आप तो कानपुर गए हुए थे। इनकी मेजरमेंट ना इतनी जल्दी चेंज होती है, इतनी ये मतलब ये अब 15 दिन में ही डिफरेंट हो जाएगी इनको, बहुत जल्दी, लाइक द मोमेंट ही स्टार्ट गोइंग टू जिम। हमारी स्टाइलिस्ट इससे तंग है, जब भी कहीं जाना होता है ना, हमेशा रॉन्ग फिटिंग ही आती है हमारे पास। लग नहीं रहा आप लोगों ने बनवाया ये काफी, ये वाइट कलर हमने उसको डाई करवाया। ये डाई करा है? क्यों, ये कलर मार्केट में खत्म हो गया था? दिस इज नेहा, दिस इज आवर कॉस्ट्यूम डिजाइनर। तो मुझे नेहा से पूछना है, नेहा जैसे आपको ब्रीफ आई कि एक ब्लॉगर की ड्रेस कैसी होनी चाहिए, लाइक इट्स जनरल ना, कुछ भी हो सकती है। सो बेसिकली आई एम द असिस्टेंट स्टाइलिस्ट। ओके, स्टाइलिस्ट से बनती था। आप पहले माइक लीजिए, माइक पे बोलिए आप। बेसिकली द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस इज कि आपका दिखाना था दिल्ली रिच गाय, सो उसके हिसाब से हमने वो रेफरेंसिंग भेजी है और सब किया है। So our handsome boy is getting ready. पहले प्रेशर डाल दिया। दोनों ट्राई करोगे? हम क्रिकेट विकेट सब खेल रहे हैं।
प्रोटीन शूट हो चुके हैं, हमारा शूट 7 बजे होगा। अभी स्टार्ट करते हैं हेयर एंड मेकअप। हेयर दादा आ चुके थे, उनको वापस भेज दिया हमने। स्क्रिप्ट भी आ चुकी है। अरे क्या हुआ, ये हमारा खुल चुका है मेकअप का पिटारा। दादा ये बॉयज और गर्ल्स का सेम बॉक्स है कि बॉयज का अलग लेके आते हैं, गर्ल्स का डिफरेंट? नहीं, उसमें सामान थोड़े अलग होते बस। ये लड़कियों के में ज्यादा होते होंगे ना, बट ये तो मुझे अपने हिसाब से भी ज्यादा ही लग रहा है। दादा कौन सा जैसे मेल आर्टिस्ट जो बहुत मेकअप को लगता है टाइम लगता है? मेल में नहीं, नहीं लगता ना। हंसी छूट गई पहले। एक्सप्लेन करते चलोगे क्या क्या ऐसे इसका क्या काम होता है? ये फ्रेशनेस के लिए है। जो रोज वाटर है ये अभी मॉइस्चराइजर किया है, उससे पूरा स्किन मॉइस्चराइज रहेगा। आपका स्किन बहुत अच्छा है, मेकअप की तो जरूरत है। क्या बात है, आपसे थोड़ा कर लेते। आप क्या लगा रहे हो भैया? कंट्रोल कर रहा हूँ। क्या ताकि नाक पतली लगे ना भैया? राइट, ऑयल कंट्रोल कर रहे हो? अरे यार बिल्कुल कोई कुछ नहीं आता है भैया, इन लोगों को तो दिन में 2 घंटे मेकअप करती हैं, फिर भी ये हाल है देख लो। नहीं अच्छा अच्छा कंट्रोल कर रहे हो? ओके ओके, मेरे को सुनने में कंट्रोल सुना। कंट्रोल कंट्रोल जैसे माही भाई है जैसे खेलते थे अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हैं, एक बार कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहा था, वो कहते हैं इसको सीधे डंडे से डालियो, रोकेगा आंख बंद करके। तो लाइक ही कैन पास ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू हिज बॉलर इन इजी लैंग्वेज। हम लोग जब खेलते हैं हम लोग बोल नहीं सकते, सब समझ आता है, बैट्समैन हिंदी समझते हैं सारे, तो एडवांटेज होता है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने में। तो उससे क्रिकेट ज्यादा मुश्किल है। शूट का टाइम हो चुका हमारी, बहुत ही ज़्यादा अभी नर्वस है, स्क्रिप्ट बार बार भूल रहे हैं, कोई नहीं कर लेंगे। ये ऑफिस है और मैं हाँ ब्लॉगिंग वाला ऑफिस है मेरा। ओके पीछे सो दिस इज माय ऑफिस, पीछे पूरा एयरक्राफ्ट लगे हुए हैं, ये फोटोग्राफी है, ओहो डंबल अम्बल भी पूरा जुगाड़ के रखा हुआ। सर आप बहुत प्राइवेट पर्सन, तो हमारा मेजर पार्ट ऑफ द शूट तो हो गया, थोड़ा सा शूट बचा जो कि दोबारा करेंगे, अभी कुछ और चल रहा है सेट में, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। मेरा परफॉर्मेंस की दोनों का परफॉर्मेंस? उनका परफॉर्मेंस यार, एक बार ही बोलते थे यार, उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था मुझे बता नहीं सकता, इतना नेचुरल और एक बार ही में। एक्चुअली ऐसे आप क्रिकेट खेलते ना ओपनिंग करने का, तो 1-2 बॉल 3-4 बॉल सेट होने में लगती है, तो मुझे भी 1-2 बार हो गया, मैं तो पहला एक्शन क्या करना है, पहली लाइन पहले मैं भूल गया, दोबारा हुआ सर आप लेकिन फिर भूल गया, फिर तीसरी चौथी में मेरे को आया, तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। वो सुबह से शूट कर रहे हैं ना, तो उनको वो फ्लो में आ जाते हैं। लेकिन मतलब प्रोफेशनल है, आके सेट पे बैठे बस डिलीवर चालू, कुछ वो नहीं, मतलब लगता है कि प्रिपेयर हो क्या, ऐसा नहीं। बट मेन चीज है मैं तो अपना बैट लेके आया था साइन कराने, मेरा बैट साइन हो गया। सबसे ऑकवर्ड मोमेंट क्या होता है शूट में, कभी कभी होता है कि पूरा शूट नहीं करना, सिर्फ एक लाइन लेनी है, तो धोनी सर एक लाइन बोले मेरी आंखों में देख के कंप्लीट हो गई, उसके बाद 2 सेकंड का साइलेंस होता है कि आपको कंटिन्यूटी के लिए वो देखना ही देखना, वहाँ से वो डायरेक्टर को स्पेस नहीं होती कट लगाने के लिए, देख रहे हैं अभी देख रहा हूँ आंखों में, मतलब वो बड़ा ऑकवर्ड होता है यार आंखों में खत्म होने के बाद, जब वो जब तक डायरेक्टर कट ना बोले ना तब तक नॉट सपोज टू लुक लेफ्ट और राइट, क्योंकि वो आपने बोला हाँ सर ठीक है आपने यहाँ देख लिया ना, तो फिर वो शॉट में कंटिन्यूटी नहीं आती, वो वहाँ से कट नहीं लग सकता एडिटिंग में, थोड़ा अजीब होता है यार, मतलब सामने ही बैठे होता है। Yeah. Are you okay? Also? ठीक है, ready. Cool. देखिए आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, सर मैं पहली लाइन ही भूल गया। बेटे, ओ बेटे मौज कर दे। एक सेकंड, सॉरी बहुत प्राइवेट क्वेश्चन। सर आप बहुत प्राइवेट पर्सन है, आप व्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे सर। देख एक तुम भी है। सर मैं आपको एडिटिंग सिखा सकता हूँ, बट आपको मैं व्लॉगिंग कैसे सिखा सकता हूँ? सर सर मेरी बात समझिए, सर मैं आपको एडिटिंग सिखा सकता हूँ, सर मैं एक इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट नहीं बना सकता। तो मेरा शॉट होने जा रहा था, अभी दिक्कत है कि हल्का सा एक मार्क गिर गया, ये पेप्सी पी रहा था, पेप्सी का ड्रॉप गिर गया, तो उसके लिए अभी पूरा डिले हो गया।
6.5 hours later. And roll cameras, please. Ready for an action. देख तू भी एक्स कैप्टन मैं भी एक्स कैप्टन सिखा देना प्लीज सर आगे करो ना कम गाइस कैमरा शिफ्ट प्लीज थैंक यू सो मच थैंक यू ऑल द बेस्ट माय वाइफ रितु सेम हियर सर मैं भागा तैयारी के लिए तो अभी हम लोग जा रहे हैं ये स्टूडियो में तो उस वाले स्टूडियो में हमारा हुआ था वीडियो शूट यहाँ पे स्टिल शूट है पूरा तो दो स्टूडियो लगा रखे हैं एक तो ये है ग्रीन स्क्रीन वाला यहाँ पे वीडियो हो रहा है तो बेसिकली इंस्टाग्राम पे जो आप वर्टिकल देखते हो उसमें स्टिल आती है ये स्टोरी बोर्ड लगा हुआ पीछे जब प्रॉपर शूट होता है ऐसा एक स्टोरी बोर्ड लगता है हर सीन के डायलॉग उसकी फ्रेमिंग कैसे होगी वाइड में होगी ये क्लोज में होगी पूरा सा लगा रहता है एंड यहाँ पे हमारा अभी स्टिल शूट हो चुका है ये ग्रीन स्क्रीन में स्टिल शूट किया हमने तो बेसिकली जब कोई भी शूट होता ना तो उसमें क्या है लाइट लगाते हैं पूरा ब्लैक करते हैं जैसे आप देखो पूरा ऊपर ब्लैक किया हुआ है और फिर ब्लैक धीरे धीरे खोलते हैं कि कहां से लाइट आनी चाहिए जैसे हमने वीडियो किया ना अभी दोनों तरह के साथ सेम पूरा स्टूडियो वहां पे भी है बट इसको स्टिल यूज कर रहे हैं और वहां पे वो कर रहे हैं तो ये साइड में छोटे स्टूडियो है इसके उस साइड में जाएंगे तो वहां बड़े स्टूडियो वहां से टीवी शूट हो गए रियलिटी शोज हो गए वो उस साइड पूरे सारे शूट होते हैं तो ये था यहां का सीन आपको तकलीफ लग रहा है बोलेंगे यार धोनी आप कुछ बोल रहा है आप मना कर रहे हैं लुक फिक्स है आपका विच इज दिस तो अभी मेरा वाला शूट हो रहा है धोनी सर का तो शूट हो गया तो मेरे क्लोज अप अभी शूट हो रहा है तो यहाँ धोनी सर बैठे हैं यहाँ उनके मैनेजर है वो चल के जाता हर जी का क्यों लग रहा है वो रेड टेप धोनी का ये वाला ये धोनी सर का मैनेजर का रेड टेप है तो ये चल के जा रहे तो मुझे रेड टेप फॉलो करता हूँ और फिर ऐसे ऐसे करते हैं सर रुकिए 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 मत जाइए मत जाइए बट वो जा चुके तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग रहता है शूट करना एक बार में सब नहीं होता एक वाइड शॉट ले लेते हैं फिर जब धोनी सर कर रहे थे तो ये कैमरा इस साइड था और उनका पूरा शूट हो रहा था उनके अपने शॉट्स निपट गए अभी कैमरा उस साइड और मेरे शॉट्स हो रहे हैं ये बने दिल्ली के रिच बॉय देखो गाड़ी रिच बॉय की रिच गाड़ी है मेरे को आज पता चला पीछे देखे तो एक्चुअली क्या है कि जब मैं धोनी सर को बोलता हूँ कि मैं पैसे लूंगा उनसे तो उस समय मेरे फॉलोअर्स कुछ गिरने लगते हैं कुछ ऐसा सीन है आई डोंट नो व्हाट इट इज मुझे पता चला कि मेरा टिकटॉक अकाउंट भी है मुझे भी पता पहली बार मैंने भी पहली बार देखा हमें खुद ही नहीं पता ये टीम ने वेल रिसर्च किया क्या किया ऐसे ही सेक्सी लग रहा था बट बाकी नंबर तक क्वाइट एक्यूरेट है बाकी नंबर तक क्वाइट एक्यूरेट क्वाइट एक्यूरेट लास्ट शॉट है सर थोड़ा और बाहर आ जाइए थोड़ा बाहर नहीं हाथ हाथ ये यस आपने कुछ नहीं बोलना सर जस्ट होल्ड करना है 1 2 3 4 5 आर यू रेडी फॉर द स्विच पैन यस एंड रेडी फॉर स्विच पैन एंड एक्शन गलत करेक्ट 1 2 3 4 स्विच पैन तो मैं बताती हूँ अभी रात के 10 बजे ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 4 बजे ऐसी लाइटिंग एडजस्ट की गई है यार मतलब हैट्स ऑफ टू जो लाइटिंग यहाँ पे चलती है अभी रात हो गई है थोड़ा सा थका हुआ हूँ मैं लेकिन माय माइंड गॉट कंफ्यूज कि सारा दिन की रात है लुक एट दिस लाइटिंग है मैंने बिल्कुल वही चीज बोली पता कि ऐसा लग रहा है शाम के 4 बजे हुए हैं बाहर से भी लग रहा है धूप है यार कौन सा सूरज लगाया हुआ है मेरे को लगता है प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस चालू कर दिए उन्होंने तो पूछ लो उनको भैया रात है ये इतनी खुशी सेट पे इतनी खुशी वाह क्या बात है शूट कंप्लीट यस यू गाइस विल बी देयर आई वांट टू लुक नाइस तो फाइनली हमारा शूट हो चुका है वो कैमरा जा रहा है यहाँ पे इतने सारे ये सब टीम जहाँ सब जा रहा है ये साउंड दादा है सारे वाले माइक वाइक इकट्ठे करके ले जा रहे हैं सब तो हम लोग अभी आए यहाँ पे स्पेशल चाय पीने थैंक यू एक और देना मैं कह रहा है स्पेशल मलाई पाव भी ट्राई कराओ कराओ भैया ट्राई कराओ ये मलाई पाव
ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं। शी और मम्मा, पीहू और मम्मा दोनों सो चुके हैं, मेरा डिनर आ चुका है, डिनर खाते हैं सोते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस ब्लॉग। मेरे लिए तो ये दिन आप तक का सबसे बेस्ट डे था, मीटिंग धोनी सर, बहुत ही ज्यादा मजे आए। थैंक यू गॉड फॉर दिस डे। अपना ख्याल रखें, आपसे मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।